क्या है? T2, T4, T5, T2, T9 टर्म्स ऑफ T5, नॉन कांस्टेंट T9 एफपी। ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन ठीक है, मतलब कि D0 नहीं हो सकता, ऑफ अ आर नॉन एन जी पी कांस्टेंट ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जी पी, यही दे रखा है कॉमन रेशो क्या? फाइंड करना अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो T5 है, अगर टर्म्स एपी में है, तो इसका मतलब T5 का स्क्वायर जो है, दैट इज इक्वल टू टी टू टी T2 इंटू नाइन टी नाइन, यही मतलब हुआ ना? तो अब T5 जो है वो एपी के हिसाब से हम लिख सकते हैं A+4D। A+4D का स्क्वायर। ठीक है, जो A+4D का स्क्वायर इक्वल टू A+D, A+8D। A+8D। तो अब इसमें हमें क्या निकालना, क्या है कॉमन रेशो निकालना है आर निकालना है, जीपी का, जीपी। जीपी का आर निकालना है। तो इससे तो डी आएगा फिर मेरे पास। एक मिनट, हम ऐसे सोच सकते हैं, मान लो जीपी की कॉमन रेशियो आर है, अगर आर है तो T2 जो है इसको हमने मान लो ले लिया D, तो T5 जो है ये हो गया BR, और T9 जो है ये हो गया जाएगा BR पावर 8। ये हो गया ना? नहीं, BR स्क्वायर, सॉरी, BR स्क्वायर ये बनेगा ना, T2, T5, T9, R in GP। तो T2, T5, T9। नहीं, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो ये A+4D² इज इक्वल टू A+D मल्टीप्लाई A+8D को, हाँ, तो A=8D आएगा। इस सारे को सॉल्व करके A=8D आ रहा है। हाँ, और तो A2 हो जाएगा 9D, और A5 भी मिल जाएगा। और ओपन करके सॉल्व किया था? हाँ, अभी क्या है, अच्छा, तो A2 तुम्हारे पास हो गया, A मतलब B तुम्हारे पास हो गया D9, और BR स्क्वायर जो है वो तुम्हारे पास हो गया 12D। ये 12D और A9 हो जाएगा 16D। और T9 BR हुआ ना, 12D BR स्क्वायर लिखते मैंने, हाँ, BR BR स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू T9, A+8D 9D, A+8D 16D, ये आया तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या निकालना है? आर निकालना है। हाँ, जीपी का।
तो इन दो, इनको डिवाइड कर दो तो आर आ गया। ना मैम, एक मिनट, कोई भी दो को डिवाइड यही कर दो, तो हाँ मान लो फर्स्ट और सेकंड को ही डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन r इक्वल टू 9d अपॉन 12d। तो r इक्वल टू 12 अपॉन 9 आ गया ना। एक मिनट, शायद ए आर स्क्वायर क्यों? अच्छा बाय 3 आ रहा है। मैम, आपने ऐसे क्यों बोला कि कोई भी दो को डिवाइड कर दो? अगर सेकंड और थर्ड को करोगे तो भी सेम आंसर तो सेम ही आना है नहीं, सेकंड थर्ड नहीं दे रखा ना इसमें, A5। जैसे क्या? कि ये तो अपनी दूसरी टर्म थी, 9D वाली, और नहीं, 12D अगर आप वाली थी इन अपनी दोनों को पांच। डिवाइड करते हैं, br और br² को डिवाइड करते हैं, तो भी तो यही आएगा। हाँ, तो लेकिन डिवाइड क्यों करेंगे इनको? हाँ, इनको डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें r चाहिए। आर तो तब मिलेगा ना जब, जैसे कि पहले ये तो सेकंड टर्म को डिवाइड करो, या फिर उससे पहले वाली टर्म को, जस्ट नहीं, आर तो जैसे कि ये 3 इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, बी इक्वल टू 9d, br इक्वल टू 12d और br² इक्वल टू 16d, ये 3 इक्वेशंस लिखी है ना लेफ्ट साइड पे। हाँ, b = 9d आया हमारा और br 12d आया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो b/br, ये b/br है ना, ये b/br। नहीं, हाँ, ये ये b को जीपी b की के टर्म साथ नहीं होगी ही क्या? है। अच्छा, मतलब ये एपी की टर्म है, फिर ये तीनों जीपी में है, तो हाँ, तभी मतलब तो मैंने ये लिखा ना, क्योंकि मैंने कहा इसको यूज करें हम, क्योंकि हमारा मकसद AD निकालना ही नहीं है ना, हमारा मकसद तो R निकालना था। नहीं, मैं क्या आर में कंफ्यूज हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे आप लिखा ना BBR BR² तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा था इसलिए, कि मतलब ये तो अच्छा, जीपी में आ गए ना, ये तब ये तीन मतलब GP की टर्म्स है ना। सीक्वेंस में। हाँ, तो जब 3 GP की टर्म्स हैं तो 9d को b कहा, तो नेक्स्ट टर्म br हो गई और फिर br² हो गई। हमें कॉमन रेशियो चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि मतलब ये जीपी की, अब मतलब जैसे सेकंड और फिफ्थ और नाइन्थ दे रखी थी ना, तो मैं जीपी की समझ रहा था, मतलब जीपी की दे रखी है सेकंड, फाइव और नाइन टर्म, GP की तो है। एपी की है, लेकिन वो तीनों फिर सीक्वेंस में जीपी की हाँ, बन जाएंगी। सेकेंड फिफ्थ और नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर इन GP, तो इसका मतलब वो इसलिए तीन कोई, कंसेक्टिव टर्म्स है GP की। कोई कोई हाँ कंसेक्टिव टर्म्स है GP की, कोई सी भी हमें नहीं हाँ पता। मैं कौन से के टू नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने पहले वाली को B ले लिया, तो अगली कुछ BR होगी, उससे अगली कुछ BR² होगी, है तो कंसेक्टिव ना, क्योंकि हमें A निकालने का यहाँ कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा था ना कि मैं उसमें पढ़ती। मैं तो और भी शॉर्टकट सोचने की कोशिश कर रही थी। पर तुमने इतनी देर में ये सॉल्व कर ही लिया फटाफट ओपन करके। हमारे पास ये सिचुएशन है ना, हमारे पास ये सिचुएशन है कि ए प्लस डी इक्वल टू सम बी है ना, ए प्लस 4d इक्वल टू बी आर, और ए प्लस 8d इक्वल टू BR² ये सिचुएशन है ना हमारे पास।
हेलो मैम। है ना। तो मैं सोच रही थी थोड़ा और शॉर्ट करने का कि अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3D इक्वल टू बी आर माइनस बी। तो बी इंटू 3D इक्वल टू बी आर माइनस बी। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे बी कॉमन लिखे। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4D इक्वल टू बी आर स्क्वायर माइनस बी आर। ठीक है, तो ये यहां पर मेरे पास आ रहा है 3D इक्वल टू बी इंटू आर माइनस वन, और ये यहाँ पे आ रहा है 4D इक्वल टू यहाँ पे बी आर कॉमन ले लो तो ये आ गया आर माइनस वन। ठीक है रोहित, यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? हाँ अब इन दोनों इक्वेशंस को जो मैंने बनाई है इनको डिवाइड कर दो। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 3/4 आ जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। देखो थ्री डी हाँ अपॉन 4D है तो ये डी से डी कैंसिल हो गया, इक्वल टू बी आर माइनस वन। अब ये ओरली हमें देख लेना है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। बी आर इंटू आर माइनस वन, तो आर माइनस वन कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, तो अब सीधा आर आ गया ना 4/3। तो ये मैं ऐसे सोच रही थी शॉर्ट, पर तुमने उतनी देर में सॉल्व कर लिया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे हो उसी से करते हैं। ये शॉर्ट पड़ रहा है ना? हाँ तीनों की इक्वेशंस लिख लो और फिर देखो हमें चाहिए क्या। हमें तो आर चाहिए, तो इसका मतलब ए डी ये सब तो कुछ चाहिए नहीं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर इक्वेशन इस तरह से बन गई कि वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। हाँ तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे चलना चाहो, बट वो लंदी है जो पहले वाला मेथड था ना, इसलिए मैं उसको बीच में छोड़ रही थी। पर तुमने कहा तुमने सॉल्व कर लिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट खोल ही ली ब्रैकेट्स, तो वो भी ठीक है, दिक्कत उसमें भी नहीं है। पर थोड़ा सा एलिटर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब ऐसे करो या ऐसे करो, मर्जी है तुम्हारी। ओके ठीक है, समझ आ गया? हाँ इससे कोई भी मेथड कर सकते हो।